वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब। और आज सीखेंगे हम जेनेटिक डिसऑर्डर। क्रोमोसोम के बारे में जान चुके हैं, मेंडल एक्सपेरिमेंट को भी समझ चुके हैं, जेनेटिक्स के बारे में जान चुके हैं। तो जेनेटिक्स का ही एक और एस्पेक्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर को समझना और उनके रूट एंड कॉज को जानना। आज कुछ सिंपल जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे एंड ये क्यों होते हैं एंड व्हाट आर देयर सिम्टम्स और इंडिविजुअल हु इज सफरिंग फ्रॉम सच जेनेटिक डिसऑर्डर्स उनकी लाइफ कैसी होती है उसके बारे में जानना है। दिस टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 16 हेरिडिटी। तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट का ये टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज इसके हर एक एग्जाम्पल जेनेटिक डिसऑर्डर के बहुत ही यूनिक हैं एंड बहुत ही आई कैन से इन एडिशन टू दैट यूनिक होने के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको जानना, आपको समझना। सो लेट्स स्टार्ट विद जेनेटिक डिसऑर्डर। व्हाई आई हैव केप्ट दिस इमेज ऑफ क्रोमोसोम और आई कैन से डीएनए एंड DNA मतलब जी। Why I have kept? Because अभी तक आपने क्रोमोसोम देखा, आपने DNA देखा, आपने जीन देखी, आपने न्यूक्लियोटाइड्स देखे, आपने उसका सीक्वेंस देखा, सब कुछ, मतलब एक आइडियल सिचुएशन चल रही थी टू स्टे अलाइव, टू हैव अ हेल्दी लाइफ। आपके पास आपके सेल थे जिनके पास जेनेटिक कोडिंग थी, जो सब काम कर रहे थे। बट ऑल आर नॉट, इतने लोग लकी नहीं होते। सम पीपल सफर फ्रॉम मैनी डिजीज और वो डिजीज भी कॉज। तो आज सी, जब मैंने यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स पढ़ाए तो मैंने उसमें आपको क्या सिखाया कि बच्चों सराउंडिंग से आपको माइक्रोब्स मिलते, तो वो सब तो बाहर से आ गए आपको वो डिजीज। बट ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स दे आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड योर सेल, मतलब डिफेक्ट इन योर जीन। तो जब इस स्ट्रक्चर में, इस डीएनए, इस क्रोमोसोम में जब भी कुछ सीक्वेंस की अदला बदली होती है और आई कैन से कुछ चेंज हो जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली एक जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करता है। मैंने जब आपको मेंडल एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें बोला था कि कैन यू ऑल बिलीव मी कि ATGC से इतने सारे जीन कोड हो सकते हैं, होते हैं ना। आपने फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया 26 लेटर्स का और एक भरी पूरी एक डिक्शनरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो अगर ATGC हर यही चार न्यूक्लियोटाइड जो हैं एक इतनी बड़ी डाइवर्सिटी लाए जेनेटिक कोड में, उसमें से समझ लो कोई भी एक कोड इधर इधर उधर हुआ, तो सेंस जो आपको एक जो जीन थे जिससे एक सेंस के मिलते थे वो एकदम क्या हो जाएंगे, देयर इज नो सेंस, नॉनसेंस एकदम, कुछ उसमें कोई कोड का उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। और जब मतलब नहीं निकलता उस कोड का, अल्टीमेटली क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। सो राइट नाउ इतना भी इसको मैं, आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑन दिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स ओनली। लेट्स जस्ट रीड the definition of genetic disorder. Disease or disorders occurring due to the abnormalities in chromosome or mutation. Mutation मतलब समझ लीजिए, अगर example मैं दे दूँ, mutation कैसा भी हो सकता है। Mutation for example, I have written ATG. This was the genetic code. I can say this was the code. What mutation will do? For example, अगर ऐसा कुछ हो गया, T गायब हो गया, मतलब either deletion, यहाँ पे क्या हो रहा है, delete हो रहा है बच्चों, delete हो गया, और I can say at the same time insert हो गई कोई और sequence, इंसर्ट हुआ, या इसको क्रोमोसोम पे इधर होना चाहिए था, ATG को इधर होना चाहिए था,
मतलब इस लोकेशन पर होना चाहिए था, ये आगे चला गया, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो भी म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन मतलब, अगर आप इसको बहुत सिंप्लीफाई समझोगे, म्यूटेशन मतलब चेंज। नॉर्मल से, ओरिजिनल चीज से चेंज होना इज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन कई टाइप के होते हैं, वो आपको नहीं सीखना है। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि म्यूटेशन ऐसे टाइप्स के भी हो सकते, बट आपको इतना नहीं सीखना है उसको। नाउ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूड आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर, डिलीशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज डीएनए। डीएनए का पार्ट क्या है? जीन। तो उसमें इंसर्शन हो सकता है, मतलब कुछ एडिशनल एडिशन डाल दोगे, या कुछ डिलीट हो सकता है, या तो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर ट्रांसफर हुआ तो भी म्यूटेशन होंगे। और ये मान ली, अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था, ओरिजिनल। ओरिजिनल से जब कुछ भी चेंज जाएगा तो अल्टीमेटली डोंट यू थिंक उसका प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर ATG इज कोडिंग फॉर सलाइवा डाइजेस्टिव एंजाइम, मैंने उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, उसकी कोड चेंज कर दी, अब तो कुछ और आएगा। और यही होते हैं म्यूटेशन, यही होते हैं क्रोमोसोम में अल्टरेशन, विच अल्टीमेटली लीड टू दी जेनेटिक डिसऑर्डर। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर्स आर क्लिफ्ट लिप, एल्बिनिज्म, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया इज, वी आर गोइंग टू लर्न दिस डिसऑर्डर इन वेरी डीप। सो आगे बढ़े। अब ये स्लाइड, रिकॉल दिस स्लाइड, ये कभी मत भूलना, वी आर, बिकॉज अभी जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो इसी पर है पूरा बेस्ड। इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 पेयर्स हैं। हम क्या हैं? हम डिप्लॉइड्स, डिप्लॉइड सेट हैं। तो अब जो जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स आने वाले हैं उसमें कहाँ पे चेंज आएंगे वो देखना है। ये अल्टीमेटली 23 पेयर्स हैं इन फीमेल्स, इट इज 44 प्लस XX, इन मेल्स इट इज 44 प्लस XY, दिस X एंड दिस XY इज एक्चुअली सेक्स क्रोमोजोम, वेयर एज दिस 44 आर ऑटोसोम्स। अगर ये स्लाइड पूरा दिमाग में फिट है तो आगे के डिसऑर्डर्स जो हम पढ़ने वाले वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो नॉर्मल इंडिविजुअल हु इज अ डिप्लॉयड सेल विल गेट 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर। ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 का हमारे पास है। अब सिंड्रोम में क्या होता है वो देखते हैं। अब पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, इज अ डिसऑर्डर अराइजिंग इन ड्यू टू क्रोमोसोम में जब एबनॉर्मेलिटी होगी तो क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स। सी बच्चों, इन एडिशन टू दैट आई जस्ट लाइक टू ऐड हियर वन पॉइंट। वट एवर द पॉइंट आई हैव टेकन इन दिस स्लाइड इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सब कुछ टेक्स्ट बुक से है, सो डोंट फील कि ये कुछ अलग सिखा रही हैं या कुछ अलग वर्ड्स दे रही हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, वाइल वॉचिंग दिस वीडियो यू जस्ट ओपन दी टेक्स्ट बुक और बुक में टिक करना स्टार्ट करो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी अदर थिंग, मतलब बाहर का कुछ नहीं लूँगी, बिकॉज आपको अल्टीमेटली एग्जाम ही क्लियर करनी है, तो जो बुक में दिया है पहले वो ख़त्म करो। So Down syndrome is a disorder arising due to the chromosome abnormality. This is the first discovered and described chromosome disorder in human beings. This disorder is characterized by the presence of 47. तो अगर मैं ये दोनों क्रोमोजोम को काउंट करूँ तो
तो हमारे पास 46 ही थे ना बच्चों, पर जो डाउन सिंड्रोम वाला जो बच्चा रहेगा उसके पास 47 क्रोमोसोम होते हैं टोटल. तो आई कैन से एडिशन हुआ, म्यूटेशन हुआ. सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम. मीन कि ये 23 है, ये 22 हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. मतलब ये जो 21 नंबर की जो जोड़ी है उधर पे इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहेगा, जिसके कारण 47 क्रोमोसोम टोटल उस बच्चे के पास है, उसके सेल में है. तो वो क्या हो जाएगा, सिंड्रोम 1. Infants with this disorder have one extra chromosome with the 21st pair in every cell of their body. Therefore, they have in total 47 chromosome. अब 47 chromosome आ तो गए, अब बच्चे को कितनी problem हो सकती है वो देखो. Children suffering from Down syndrome are usually mentally retarded होते हैं. एंड उनकी लाइफ, उनकी बोलते हैं ना जीवन आयु बहुत कम होती है बच्चों. मेंटल रिटार्डेशन इज वन ऑफ द आई कैन से मोस्ट प्रिडोमिनेंट फीचर, मेंटल रिटार्डेशन एंड अदर सिम्टम्स दे एंड दैट्स व्हाई दे नीड स्पेशल केयर. अदर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्ट हाइट, कम हाइट के, शॉर्ट वाइड नेक, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट फिंगर्स, कैंटी हेयर, मतलब कम बालों का आना. इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो डाउन सिंड्रोम के किस कैसे पहुँचाए हैं. एंड सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन पाल, मतलब एक लाइन एक रहती है उनके पाल में. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी अबाउट 16 to 20 years. 20 साल की उनकी उम्र होती है डाउन सिंड्रोम में. तो डाउन सिंड्रोम में उसके सिम्टम्स याद करना, और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो पहले क्या लिखोगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं. फिर डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, क्योंकि 21वें नंबर की जो पैर है, 21वें नंबर की जो जोड़ी है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है. ड्यू टू दिस द इंडिविजुअल हु इज सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम विल हैव इन टोटल 47 क्रोमोसोम. और जैसे ही 47 क्रोमोसोम आ गए तो ये सिम्टम्स लिखना बिल्कुल मत भूलना, और ये आपका आंसर रेडी होगा. लेट्स मूव अहेड. अभी जो आपने देखा बच्चों, ये कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, एक्चुअली दिस 21st, मैंने क्या बोला, 21st क्रोमोसोम पे है ये प्रॉब्लम. तो मतलब मैं बोलूंगी कि 21st क्रोमोसोम कौन सा था बच्चों, ऑटोसोम था ना, इट वाज नॉट सेक्स क्रोमोसोम. आर यू एग्री विथ मी? ओके. सो अब सेक्स क्रोमोसोम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका क्या है वो इशू देखते पहले. अब द सेकेंड इज टर्नर सिंड्रोम. As with the autosomes, abnormalities in sex chromosome also leads to disorder. अभी ये जो टर्नर सिंड्रोम है ना, ये इसलिए हुआ कि ऑटोसोम में प्रॉब्लम हुई थी. अब जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट इज टर्नर सिंड्रोम, द प्रॉब्लम इज अराइजिंग ड्यू टू सेक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम हुई है. सो टर्नर सिंड्रोम और 44+X अराइज ड्यू टू आइदर इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट्स और ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड एक्स क्रोम. एक्चुअली ये 44 प्लस बच्चों जो XX है, ये क्यों है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, और यही इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करता है कि वेदर शी विल बी वेदर द इंडिविजुअल विल बी मेल और फीमेल. शी इज फीमेल, ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44+X दूसरा एक्स आता ही नहीं है, एक क्रोमोसोम है ही नहीं. मतलब चलो वो स्लाइड पे चले, मतलब देखो बच्चों, ये इसको नहीं आइए, इतना ही है, एक एक्स कम है. एंड दैट्स व्हाई अगर एक एक्स कम हो जाएगा तो कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम.
Now, what are the symptoms of Turner syndrome? Let's see. Instead of the normal 44 plus XX condition, मतलब ये woman suffering from Turner syndrome show only 44 plus X, मतलब ये such women are sterile. Sterile मतलब she is not, cannot, she won't be able to, she won't be able to give birth. तो वो आगे जनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती एंड अनेबल टू हैव अ चाइल्ड चिल्ड्रेन ड्यू टू द इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि उसके पास डबल एक्स ये नहीं है ना, एक ही है, तो उसके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है जो रिप्रोडक्शन के लिए लगेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो उसके पास अच्छे से डेवलप नहीं है. सो इसलिए द फीमेल हु इज सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम वोंट बी एबल टू हैव चाइल्ड. देर आर अदर सिम्टम्स ऑल्सो लाइक शॉर्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, बट ये अलग अलग पर्सन पे, उनकी हाइट छोटी होती है, इनफर्टिलिटी होती है और डिलेड प्यूबर्टी. मतलब डिलेड प्यूबर्टी क्यों होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 44 प्लस एक्स है, और इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे नहीं हो सकते आगे चल के. नाउ वी हैव लर्न वन सिंड्रोम. सी यू हैव टू कैटेगराइज दिस क्रोमोजोम की एबनॉर्मलिटी इंटू थ्री पार्ट्स. पहले मैंने क्या बताया, डाउन सिंड्रोम 21वें नंबर के क्रोमोजोम में प्रॉब्लम हो रही थी और वो ऑटोसोम है, तो वो ऑटोसोम में प्रॉब्लम हुई. अब सिक्स क्रोमोजोम में जब प्रॉब्लम होती है तो 44 प्लस जब एक्स आएगा तो वो फीमेल में होता है. एक मेल का भी एग्जाम्पल लेना है तो मेल में क्या होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, दिस ऑर्डर अराइजेस इन मैन ड्यू टू द एबनॉर्मलिटीज इन सेक्स क्रोमोजोम. इन दिस डिसऑर्डर मैन हैव वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम, हेंस देयर क्रोमोजोम कंडीशन बिकम्स 44 प्लस XXY. सो अभी फीमेल के लिए ये बताया, रिविजन लेते हैं हम फिर से अभी. और मेल्स के लिए मैंने क्या बोला, 44 प्लस XXY, ये कंडीशन हो जाती है बच्चों क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में. क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में ये कंडीशन होने के बाद सच मैंस आर स्टराइल, दे मतलब ही वॉन्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड, बिकॉज उनको चाहिए था 44 प्लस XY, बट अभी इनके पास क्या है, 44 प्लस XXY. तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 44 प्लस X भी हुआ तो भी स्टराइल की सिचुएशन आएगी, और 44 प्लस ट्रिपल X, डबल X एंड Y की भी किया तो भी स्टराइल हुआ. क्यों? बिकॉज वे आर क्रोमोजोम और उसकी कोडिंग इज वेरी स्पेसिफिक, उसमें इंसरेशन डिलीशन विल ऑलवेज रिजल्ट टू अ डिसऑर्डर ओनली और सम काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटीज. इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इससे घाटा ही होगा. कुछ डिसऑर्डर या कुछ समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल. सो लेट्स कम टू द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. So this is such men are sexually sterile, and there are other symptoms also, reduced muscle mass, less facial and body hair. See, men's are actually as compared to a woman, लड़कों में ज़्यादा facial hairs होते, but in this case Klinefelter syndrome में ऐसे individuals को कम रहते हैं. Coming to broad lips, उनके lips broad होते हैं, enlarged breast and increased belly fat. So these are the some symptoms of individual who is suffering from Klinefelter syndrome. So now coming to the monogenic disorders. मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स मतलब एक ही जीन में डिफेक्ट होने से जो तकलीफ, जो डिसऑर्डर्स होने वाले हैं उसको बोलते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर. डिसऑर्डर और डिजीज अकरिंग ड्यू टू द म्यूटेशन इन एनी सिंगल जीन इनटू अ डिफेक्टिव जीन इस आर कॉल्ड एज मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बच्चों कि अप्रॉक्सीमेटली 4000 डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ दिस टाइप are now known. Due to the abnormal gene, their products are either produced in small quantity or not at all.
इन इट कॉजेज एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म दैट मे लीड टू डेथ एट अ टेंडर एज, मतलब कम आयु में मृत्यु की संभावना. एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसऑर्डर्स आर हचिंग्टन डिजीज, टेशास डिजीज, ग्लैक्टोसेमिया, फिनाइल क्लैटोयूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस. अब यहाँ पे सी सम डिजीज जो हमने अभी पढ़े, सम डिजीज हम क्योर कर सकते हैं बट कंप्लीटली नहीं कर पाते क्योंकि जीन का डिफेक्ट है. और हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डेथ भी हो सकती है. तो अब आज हम दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एक देखेंगे एक सिकल सेल एनीमिया देख लेंगे और एक देखेंगे हम एल्बिनिज्म. तो पहले एल्बिनिज्म देख लें. दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर. आर आईज एंड हाँ, हमारे बालों में, आँखों में, और ये सब कलर क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है, एक पिगमेंट है, उसको बोलते हैं मेलेनिन. पर जो पर्सन जो एल्बिनिज्म में है, जिस जेनेटिक डिसऑर्डर में है, उसमें क्या होगा, ये मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होता. तो जब मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो सब लाइट स्किन मतलब ऐसा कुछ दिखने लगेगा. उनकी जो रेटिना है आंखों का वो भी कैसा दिखेगा, यूजुअली पिंक बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट इन द रेटिना एंड द स्क्लेरा. द स्किन बिकम्स पेल, हेयर्स आर वाइट एंड आईज आर यूजुअली पिंक. तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर. And yes, in addition to that, they are sensitive to light. This genetic disorder is known as albinism. Why? Because there is a defect in the gene, जो gene code करती थी melanin को. तो person is going to suffer from a disease, genetic disorder, that is albinism. Coming to sickle cell anemia. अब sickle cell anemia थोड़ा difficult है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसको समझो पहले. इवन माइनर चेंजेस इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए मिलेट टू डिजीज एंड डिसऑर्डर्स, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, अगर उसके न्यूक्लियोटाइड्स में थोड़ा भी चेंज हुआ तो डिजीज तो होनी तय है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैज ग्लूटामिक एसिड एज द सिक्स्थ अमाइनो एसिड इन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर. अब क्या है ये, थोड़ा सा इसको समझो फिर देखते हैं. हीमोग्लोबिन, ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड को जोड़ के क्या बनता है, प्रोटीन. तो ये जो अमाइनो एसिड है, मान लो उसके पास वन ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होंगे ना बच्चों, जिससे वो जोड़ जोड़ के बना होगा. तो फॉर एग्जाम्पल अभी 6 अमाइनो एसिड्स तक बात करो. हीमोग्लोबिन इट्स अ प्रोटीन, ठीक है. अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो सेकेंड लाइन लिखी है ना, इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, इसको समझा रही हूँ कि क्या बोलना चाहता है. वो बोल रहा है कि ग्लूटामिक एसिड एज द सिक्स अमाइनो एसिड, मान लो ये इसका स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसके सिक्स अमाइनो एसिड पे क्या है बच्चों, ग्लूटामिक एसिड ये होना चाहिए था. अगर ये रहेगा तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी है, जो इरिथ्रोसाइट से, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा अगर ये सिचुएशन होगी. मतलब दिस इज द ओरिजिनल कंडीशन. अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, कौन सा अमाइनो एसिड, वेलिन से इसको मैंने चेंज कर दिया, छठवें अमाइनो एसिड को मैंने ग्लूटामिक एसिड को हटा दिया और मैंने चेंज कर दिया इसको वेलिनिन से, तो क्या होगा, आप जो आरबीसी है, जो इरिथ्रोसाइट्स है एक्चुअली, वो क्या हो जाएंगे, उनका शेप चेंज हो जाएगा. अब ये जो ग्लूटामिक से वैली के, ये सब की कोडिंग कहाँ होती होगी,
ये सब की कोडिंग सेल के न्यूक्लियर पार्ट में होती है, भूलना मत, हॉटस्पॉट है वो। ड्यू टू दिस द इरिथ्रोसाइट्स एंड रेड रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स विच आर नॉर्मली बाय कॉनकेव शेप के होते हैं, इट बिकम्स सिकल शेप। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू सिकल शेप? या इन मराठी देर इज अ वर्ड फॉर लाइक द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इन ये अपना एग्रीकल्चर और खेती, कोयता, या कोयता उसको बोलते हैं। सो वो कोयता जो आरबीसी है वो किस शेप के हो जाते हैं? कोयता शेप के हो जाते हैं। द ऑक्सीजन कैरीज दो, जो अब ये जो शेप चेंज हो गया इसके कारण, ये हमने थोड़ा बहुत साइंटिफिक डीप में पढ़ा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सेकेंड लाइन में मैडम क्या बोलना चाहती हैं। तो अब क्या हो गया, शेप चेंज हो गया, तो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन सच इंडिविजुअल इज वेरी लो। यू नो जो बड़ी बड़ी रेस होती हैं या जो बहुत सारे ओलंपिक और इस सब के लिए जाते हैं बड़ी रेस के लिए, बच्चों पता है उनका एक टेस्ट जरूर होता है सिकल सेल एनीमिया का, बिकॉज डर रहता है कि कहीं भागते टाइम हम क्या कर रहे हैं, एनारोबिक कंडीशन भी हो जाएगी और सांस फूलेगी, तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल रहेगा वो सर्वाइव कर सकता है, बट सिकल सेल एनीमिया नहीं, बिकॉज उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम। नाउ इन दिस कंडीशन क्लंपिंग एंड देयर बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स अकर्स मोस्ट ऑफ्टन। एज अ रिजल्ट ब्लड वेसल्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन, लंग्स, किडनी डैमेज, आरबीसी डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज हेरिडिटरी डिजीज, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन जीन ड्यूरिंग द कॉन्सेप्शन। अब ये कहाँ से आएगा, किसी इंडिविजुअल में कब आएगा, जब उसके मदर फादर मतलब एक हेरिडिटी से आएगा। तो दैट्स वाई द सेकेंड द फोर्थ पॉइंट, इफ द फादर एंड मदर आर बोथ आर अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया और इफ दे कैरीज दिस डिसऑर्डर, अगर वो कैरी करते हैं, वी विल कम टू दिस पॉइंट, देयर ऑफस्प्रिंग्स आर लाइकली टू सफर फ्रॉम दीज डिजीज। नाउ हेंस मैरिज बिटवीन द पर्सन हु आर कैरियर्स ऑफ और सफरर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, दे शुड नॉट गेट मैरिड। तो ये भी एक रहता है कि हेरिडिटी में हेरिडिटी डिसऑर्डर है, तो अगर दोनों इंडिविजुअल को अगर सिकल सेल एनीमिया है तो उनके बच्चे को भी होगा और वो बच्चा आगे चलकर उसकी लाइफ बहुत ही कठिन हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिसऑर्डर द पर्सन द इंडिविजुअल हु आर सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज, दे शुड जस्ट गो फॉर चेक कि भाई सामने वाले को होगा कि है कि नहीं। ना वो जो कैरियर्स में बोल रही थी, मैं इस पर ज़रा इस पॉइंट इस स्लाइड से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हीमोग्लोबिन का समझ गया, ग्लूटामाइन और वैलिडिन का। देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया। फॉर एग्जाम्पल, अब आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ये भी बता दूँ कि ये वाला है, इसको वो समझ लो ये नॉर्मल है, ठीक है। मतलब जिसके पास ये जो जीन रहेगी वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, लाइक मी, लाइक यू ऑल, ठीक है। नाउ सिकल सेल एनीमिया जो कैरियर होगा, मतलब जिसके पास कैरियर, मतलब एक तो नॉर्मल जीन है, एक रिसेसिव जीन है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट याद आया? यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस जीन, बिकॉज इट इज डोमिनेंट, तो इसने इसका असर दबा दिया। बट यस, इट इज द इंडिविजुअल इज कैरिंग अ वन जीन विच इज रिसेसिव। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो इंडिविजुअल है वो क्या है, एनीमिया का कैरियर है। नाउ सफरर, अगर ये है तो सफरर कौन सा होगा, ये ना बच्चों, ठीक है। ये तीनों सिचुएशन समझी, ए नॉर्मल डोमिनेंट जीन है, ये इसमें इसका असर क्यों नहीं दिखा, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट याद करो, पर्पल व्हाइट वाला एग्जांपल, पता चल जाएगा ये ए बट ये इंडिविजुअल कैरियर है, तो सेकेंड जनरेशन में दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है, और ये SS, ये सफरर है, इसको तो है ही सिकल सेल एनीमिया। What are the symptoms of sickle cell anemia? Swelling of hands, legs, pain in joint, several body ache,
फ्रीक्वेंट कोल्ड्स एंड कफ, कॉन्स्टेंट लो फीवर उनको रहता है, पेल फेस रहता है, लो हीमोग्लोबिन काउंट रहता है। नाउ अब ज़रा इसको समझो, वो जो मैंने एक फटाक से बोल दिया कि फादर और मदर का दोनों का सिकल सेल एनीमिया चेकअप होना चाहिए, व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड, ए मैन भी ए वुमन भी, मतलब बोथ आर नॉर्मल, तो इनकी प्रोजेनी। नाउ यू शू ऑल शुड नॉट गेट कन्फ्यूज, बिकॉज हमने पनेट स्क्वायर मेथड देखा, हमने ऑलरेडी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट समझ लिया है। तो ये ए नॉर्मल प्रोजेनी होगी, पेरेंट्स नॉर्मल है, मान लीजिए उनमें से रिवर्स कर दो एक, तो 50% क्या हो जाएंगे? अभी ये या उल्टा, जैसा भी रिवर्स किया, पनेट स्क्वायर मेथड बना लिया ऐसा कुछ, परसेंट प्रोजेनी इज नॉर्मल, कितने हैं बच्चों? 4 हैं, 4 चार ऑफस्प्रिंग्स आए, 50% दो उसमें से नॉर्मल और दो गए हैं, दे आर कैरिंग द जीन। फिर ये चेक करना है हमको क्रॉस, थर्ड क्रॉस, ASS SSR A, लेट्स चेक दिस क्रॉस ऑल्सो, क्या है दूसरा क्रॉस, AA और SS, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल की मैरिज अगर एक SS सफरर से होगी। चलो पनेट स्क्वायर बनाओ, अपनी बुक में आप भी बनाओ मेरे साथ, all progeny will be carrier if one parent is normal and one is a sufferer. क्या सही लिखा है? Yes. Punnett square method से check करते जाना, AS और AS मतलब sufferers के बीच में अगर, so now what is the fourth case, AS and AS मतलब both are carriers of the sickle cell anemia की gene, तो Punnett square method बनाओ, AA, AS, AS, SS, 25 प्रोजेनी नॉर्मल, 25 सफरर एंड 50% आर के, चार लोग हैं ठीक है, उसमें से एक नॉर्मल है, दो कैरियर्स हैं और वन विल बी सफरर। नाउ कमिंग टू AS एंड SS, 50% 50% सफरर, चलो ये भी चेक कर लें इन क्विकली फटाफट, अगर इसकी शादी ऐसे हुई तो, लाइक ऐसे मैरिज हुई तो, AS एंड SS, सी यू ऑल शुड आफ्टर लर्निंग अबाउट पनेट स्क्वायर मेथड एंड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, यू ऑल शुड इंजॉय दिस, और ये स्टेटमेंट चेक करते जाओ कि अरे ये सही लिखा है कि नहीं, येस येस, 50% प्रोजेनी आर कैरियर, येस, एंड 50% NSS की, सो ऑल, अगर इसमें तो मुझे पनेट स्क्वायर मेथड ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ऑल विल बी सफरर। So this is about the sickle cell anemia. Why I have taken such efforts to draw the Punnett square method is so that you understand. Mendel के experiment का revision भी हो गया हमारा, और साथ में हमने देखा कि यही best condition है सिकल सेल एनीमिया के, अगर सफरर से आगे चलकर हुआ तो आगे चलकर जो ऑफस्प्रिंग्स जो बॉर्न होंगे, दे आइदर विल बी सफरर और दे मे बी कैरियर। Now, what are the remedies? These disease is spread only one way, that is reproduction. Hence, the husband and wife should get their blood examined either before marriage or after it, so that they can also plan ki whether to have a child or not. A carrier or a sufferer should avoid marriage with another carrier or sufferer.
A person suffering from sickle cell anemia should take the folic acid tablet daily. So this is the hand of a child with sickle cell anemia because ye haath aisa kyu hai because it's swelling. Now mitochondria disorder. Mitochondria DNA may also be defective due to mutation. During fertilization, mitochondria is contributed by the egg ova. Hence, mitochondria disorders are inherited from mother only. Fertilization ke vaj, jab gamete fusion hota hai, to mitochondria ki supply hoti hai, mummy ke side se, mata ji ki taraf se. To wahan pe, jo, agar wahan pe kuch defect hua, to mitochondrial ye problem ho sakti hai, disorder ki. और दैट्स वाई क्योंकि ये मम्मी के साइड से आ रहा है तो इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंट डिसऑर्डर. लेबर इनहेरिडिटी ऑप्टिकल न्यूरोपैथी इज ए वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर. लाओ पॉलीजेनिक. मोनोजेनिक में क्या था, एक जीन इन्वॉल्व थी. पॉलीजेनिक में मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होंगी इन ऑर्डर फॉर अ disorder. Sometimes disorders arises due to the mutation in more than one gene, and in most such disorder the severity increases due to the effects of environmental factors on the fetus. मतलब ये line का मतलब ये है बच्चों कि genetic मतलब polygenic बहुत सारी जीन में डिफेक्ट हो रहे हैं और साथ में वो डेवलपिंग फीटस जो है उसके ऑलरेडी बहुत सारे जीन में प्रॉब्लम तो हुई है, उसके साथ इन्वायरमेंटल लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करती है उस बीमारी को या तो सीवियरिटी की तरफ लेके जाने में या तो उसको थोड़ा कम करने में. अभी जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगी ना आपको समझ में आ जाएगा. सो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स आर डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो मेंडल्स लॉ. सिकल सेल एनीमिया में कैसे, this disorder arises from the complex interaction between the environment, lifestyle and defective and several gene. मतलब एक gene, lifestyle भी सब कुछ इसमें matter करेगी. और इसमें जो etiology है मतलब जो root cause है बीमारी का वो समझ पाना और उसके cure पे पहुँच पाना बहुत ही tough task हो जाता है. Now, polygenic disorders के example देख लो, asthma, autoimmune, cancer, diabetes, heart disease, hypertension, obesity, infertility, ये सब. अभी diabetes का तो आपके घर में या पूरे family में कोई ना कोई तो एक individual होगा who is suffering from diabetes. तो इसमें multiple gene involved है और साथ में उस person की lifestyle कैसी है, environment कैसा है, उसका खाने पीने का तरीका, ये सब कुछ इंटरैक्ट करता है इन ऑर्डर टू टू कॉज अ डिजीज और उसके पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स में. और हाँ, एट द एंड ऑफ योर बुक देर इज वन ऑलवेज रिमेम्बर करके कुछ पन्ना डिस्प्ले होता है जिसपे टबैको कंजम्पशन के बारे में लिखा हुआ है. स्मोकिंग क्या है, कैंसर क्या है, ये भी एक टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं. बट यस, वो एग्जांपल है आपके लाइफस्टाइल का, आपके जेनेटिक म्यूटेशन का. और सच में सी ऑल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी स्मोकिंग केस, कैंसर होगा, ये वो होगा, नो बडी फॉलोज. बट वहाँ पे उस पर्टिकुलर पेज में इफ़ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, रीड दैट पेज कि उसमें इंटरेक्शन कैसा है. हम तो कुछ लाइफस्टाइल करते हैं स्मोकिंग और इसके उसके बाद जो हमारी बॉडी पे जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उसके साथ जीन का कैसे इन्वॉल्व, क्योंकि म्यूटेशन आना स्टार्ट होता है एंड तब कितनी सीवियरिटी होती है वो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आप स्मोकिंग. स्मोकिंग एंड ये अपना दारू पीना या शराब, ये सब कुछ इन्वॉल्व है. ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ जीन. नो जीन इज टेलिंग यू कि या गो एंड कंज्यूम तंबाकू और आई कैन से सिगरेट एंड एनीथिंग. बट ये आपकी लाइफस्टाइल है, कुछ लोगों की लाइफस्टाइल है, उससे उन्होंने क्या किया, अपने आप को हार्म किया, उसके बाद बॉडी ने उसके रिवर्स एक्शन चालू किए. सो आई कैन से इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन. दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ड्यू टू द एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल एंड यस जीन. So this is the end of today's topic and also end of your chapter, that is heredity. Any doubt, please comment or contact me.
थैंक यू सो मच।